त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 जिला पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हो गई। भारी भीड़ उमड़ने के बावजूद भी बेहद शांतिपूर्ण वातावरण में देर शाम तक लगभग 400 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, AIMIM, बहुजन समाज पार्टी व अन्य पार्टियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं दिखाई दिए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे। कचहरी एवं कलेक्ट्रेट के आने वाले अनेक रास्तों पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई थी। नामांकन कक्ष में सिर्फ प्रत्याशी एवं उसके प्रस्तावक को जाने की इजाजत थी। हालांकि एक दो बार जबरदस्ती लाइन में घुसने को लेकर व्यवस्था भी बिगड़ी, लेकिन पुलिस ने तत्काल काबू पा लिया। पूरी नामांकन प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर AGM प्रशासन सुरेंद्र सिंह सुबह से शाम तक मौजूद रहे। उन्हीं की देखरेख में बेहद शांतिपूर्ण वातावरण में नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन संपन्न हुआ। सुबह से शाम तक प्रत्याशियों की भारी भीड़ कलेक्ट्रेट में दिखाई दी। हालांकि प्रत्याशियों के समर्थकों को कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य रास्तों से समर्थक अपने प्रत्याशी के पास तक पहुंचने में किसी तरह सफल हुए, लेकिन बार बार पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। नामांकन कक्ष के बाहर दो लाइनें लगी हुई थी। एक लाइन में पुरुष एवं दूसरी लाइन में महिलाएं लंबी कतारों में खड़ी हुई दिखाई दी। जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के कारण अवकाश रहेगा। इस दिन नामांकन नहीं कराए जा सकते, लिहाजा 15 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि में भारी संख्या में प्रत्याशियों के उमड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को और भी कड़े प्रबंध करने की आवश्यकता है। हालांकि आज प्रत्याशी और उनके समर्थक पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। प्रत्याशियों का मानना था कि जिस हिसाब से यहां भीड़ उमड़ रही है, उस हिसाब से नामांकन कक्ष के अंदर केवल दो ही काउंटरों की व्यवस्था की गई है, जबकि यहां 10-10 वालों के 4 काउंटर स्थापित किए जाने थे, जिससे प्रत्याशियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन शांतिपूर्ण वातावरण में देर शाम तक संपन्न हुआ। लगभग 7 बजे तक 400 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहीद आजाद प्रत्याशी भी शामिल रहे। वार्ड नंबर 26 की सुरक्षित सीट से महेंद्र सिंह की पत्नी संतोष कुमारी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से अपना नामांकन कराया है। इनके अलावा वार्ड नंबर 24 से तानिया पत्नी फिरोज अहमद, वार्ड नंबर 31 से फहीम उर्फ बब्बू नंबरदार, वार्ड नंबर 34 से पूर्व जिला पंचायत नासिर हुसैन ने अपनी पत्नी जैतून खानम उर्फ जैतून जहां, वार्ड नंबर 27 से मोहम्मद उस्मान की पत्नी अफरोज जहां, वार्ड नंबर 31 से ही बसपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में अनीश चौधरी, राष्ट्रीय समानता दल समर्थित प्रत्याशी तेज सिंह सैनी ने वार्ड नंबर 13 से, वार्ड नंबर 16 से सपा समर्थित प्रत्याशी कुशल यादव, वार्ड नंबर 22 से आजाद समाज पार्टी समर्थित प्रत्याशी आसिफ इकबाल एडवोकेट ने, वार्ड नंबर 10 सजलैट ब्लॉक से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थित प्रत्याशी रईसुद्दीन ने, वार्ड नंबर 19 से BSP समर्थित प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद फरकान अलवी की पत्नी अनोखी बेगम, ग्राम अल्लापुर भीकन, वार्ड नंबर 12 से सपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में नाजिम अली, वार्ड नंबर 34 से याकूब अली की पत्नी शबनूर, वार्ड नंबर 34 से ही कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के रूप में महबूब अली एडवोकेट की पत्नी रेशमा परवीन, वार्ड नंबर 28 कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के रूप में हाजी अब्दुल वाजिद, वार्ड नंबर 28 से ही कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के रूप में हाजी अब्दुल माजिद, वार्ड नंबर 11 से सपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में मुकेश यादव ने अपनी पत्नी निशिरानी, वार्ड नंबर 13 से सपा समर्थित प्रत्याशी एवं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने अपनी पत्नी तरन्नुम जहां, वार्ड नंबर 12 से राहुल कुमार ने अपनी माता मिथिलेश एवं वार्ड नंबर 11 से बसपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रपाल की माता सतवीरी देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। अधिकांश प्रत्याशियों ने विकास, शिक्षा, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बताया और क्षेत्रीय जनता से अपने अपने समर्थन में वोट करने की अपील भी की। नासिर हुसैन जी, आपने किस वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल किया? वार्ड 34 मुंडा पांडे। क्या ये आरक्षित है? ये आरक्षित है महिला के लिए। आपने किसी पार्टी के समर्थन से किया या? समाजवादी पार्टी। क्या प्रयास रहेंगे आपके? प्रयास ये है कि इंशाल्लाह जीत का आएंगे। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? विकास के मुद्दे पर, लोगों का काम आते हैं, वही गांव में रहते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं। ये जो प्रत्याशी हैं ये आपकी कौन है? पत्नी है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे, इंशाल्लाह लोगों काम करते हैं तो वोट मिलेगा हमें। क्या अपील करेंगे पब्लिक से? पब्लिक से अपने मतदाताओं से
पूरा विकास कराएंगे क्षेत्र में, जो जो नई नई स्कीमें हैं वो क्षेत्र में कराएंगे। जी क्या नाम है आपका? आज जिला पंचायत के तीसरे चरण के नामांकन यहाँ जिला मुरादाबाद में शुरू हुए हैं। मैंने वार्ड नंबर 27 से प्रस्तावक की हैसियत से अपनी पत्नी अफरोज खानम अफरोज जहाँ का नामांकन पत्र आज यहाँ जमा किया है। जहाँ तक इस बार इस पंचायत चुनाव का ताल्लुक है, यकीनन ये पंचायत चुनाव एक लोगों के रुझान का रिहर्सल जैसा है आगामी 2022 के चुनाव को लेकर। बेशतर जगह जो सत्ता पक्ष है उसको कैंडिडेट नहीं मिले हैं, इधर उधर से बाहरी कैंडिडेट उसने उतारे हैं, लोगों में कोई रुझान उनके लिए नहीं है, उनके जो समर्थित कैंडिडेट हैं उनको भी लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ताल्लुक है, लोग उनमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि यकीनन एक बदलाव की लहर है और जो पुरानी काम वाली सरकार थी उसको लोग याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शोर शराबे और नाम वाली और नफरत फैलाने वाली सरकार है, उसको ज़मीन दिखाने के हिसाब से, असलियत दिखाने के हिसाब से लोगों ने इरादा इस पंचायत चुनाव में किया है। क्या प्रयास रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर चुनाव? असल मुद्दा तो किसानों की समस्याओं को लेकर, जन समस्याओं के हल को लेकर और उन तमाम धोखाधड़ियों को लेकर जो सरकार चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार हो, उनकी धोखाधड़ियों को उजागर करने का काम मैं और मेरी तमाम आसपास के वार्डों में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो केवल यही प्रयास कर रहे हैं और उसी का लोगों में बड़ा अच्छा रुझान मिल रहा है। क्षेत्रीय जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से एकमात्र अपील करूंगा कि वो नफरत फैलाने वालों को सबक सिखाएं और विकास और देश हित की बात करने वालों को ये इस सबूत के साथ कि हम सब एक हैं, जात बिरादरी धर्म इन तमाम से उठकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को। मैं आपका, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जी। आज किस वार्ड से आपने नामांकन पत्र? वार्ड नंबर 13 से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हूँ। किसका कराया आपने? अपना? मैंने अपनी वाइफ तरन्नुम झा का कराया। क्या प्रयास रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? प्रयास विकास के रहेंगे। जिस तरीके से मेरे क्षेत्र की सड़कें टूटी टूटी हैं और काफ़ी सारी क्षेत्र के अंदर विकास बहुत कम है, सरकारी नल बहुत कम है, जहाँ तक अंधेरा रात को अंधेरा पड़ा रहता है वहाँ पर मैं रोशनी का काम करूँगा ताकि वहाँ पर उजाला हो और लोगों को, राहगीरों को आने जाने में कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? बस क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं उनके सबके सुख दुख में शामिल रहता हूँ, हमेशा 5 साल से खिदमत कर रहा हूँ और 5 साल पहले भी खिदमत की थी। मैं सेकेंड नंबर पर रहा था, 2015 में मैं चुनाव लड़ा था उसमें सेकेंड नंबर पर मैं रहा था। बस क्षेत्र से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र जिस तरीके से मैं अपने क्षेत्र के लिए लगा रहता हूँ, हमेशा मेरा क्षेत्र भी मेरे लिए मुझे मेहनत करके जिताएं और मैं भारी बहुमत से जीत हासिल करूँ। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुकेश यादव जी। मुकेश जी, आप कौन से वार्ड से और किस पार्टी के समर्थन से चुनाव? मैं, आप जैसे प्रेस वाले सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने आया हूँ। जैसे मैं 10 नंबर वार्ड से पहले मेंबर हूँ, अब उसका नए परिसर में वार्ड नंबर 11 हो गई और महिला सीट है। मैं अपनी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ा रहा हूँ और मैंने 10 नंबरों में बहुत विकास करा और आज की स्थिति यह है कि जो प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार चल रही है, इससे पूरी जनता का मोह भंग हो चुका है और बदलाव चाह रही है जनता। जैसा कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता बदलाव चाह रही है और सीधे अखिलेश जी की तरफ निगाह है कि कब अखिलेश जी आएंगे प्रदेश में और कब विकास कराएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? हमारा तो मेन मुद्दा विकास का ही मुद्दा रहता है, हमारा भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी। जब 5 साल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी विकास कराया, वही विकास का मुद्दा हमारा है। मैंने भी अपने वार्ड में 7 करोड़ 12 लाख का काम कराया और अब फिर तैयार है। क्षेत्र हमारा तो मेन जो है विकास का ही मुद्दा है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि हमें कामयाब बनाएंगे
अखिलेश यादव जी के हाथों को कामयाब करेंगे और क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? महबूब अली एडवोकेट जी। महबूब अली जी, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं और किस पार्टी से? देखिए, मैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 34 से अपनी वाइफ रेशमा प्रज्ञा का आज हमने नामांकन कराया है। पहले भी चुनाव लड़े हैं जी? मैं 2015 में भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, उस वक्त हमारा वार्ड 49 हुआ करता था। 2021 में नया परिसीमन हुआ, उसमें हमारा वार्ड 34 हो गया। क्या प्रयास रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान? देखिए, मेरे प्रयास यही रहेंगे जो क्षेत्र के अंदर जो अधूरा विकास है, और खासतौर से मैं छात्र राजनीति से निकल कर आया हूँ, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि अपने क्षेत्र में जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं उनकी पहल करूँगा, और शिक्षा के जितने भी साधन उनको लाने के लिए खासतौर से अपने जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर किसी मुद्दों पर काम करने के लिए जिला पंचायत का चुनाव, और यही मेरे मुद्दे रहेंगे। क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अच्छे प्रत्याशियों को जिताएं, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जो पूरे जिले में लड़ रहे हैं उन सबको जिताएं, और जिला पंचायत अध्यक्ष पर भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा एक जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद में लाने का काम करें। हाँ वाजिद साहब, आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़े? वार्ड नंबर 28 रुस्तम नगर सैंसपुर ब्लैक सैंसपुर ब्लैक। आप किसी पार्टी के समर्थन से या आज़ाद प्रत्याशी के रूप में? हम कांग्रेस पार्टी से। पहले भी चुनाव लड़े हैं? नहीं लड़े। पहली बार चुनाव लड़े। क्या मुद्दे हैं आपके? शिक्षा को लेकर हैं, गांव के रास्तों को लेकर हैं। हमने गुड़गांव का एक भ्रमण किया, गए वहां पे, तो वहां देखा कि बहुत बहुत गहरे गड्ढे हैं, बरसात में पानी खड़ा हो जाता है और लोगों को निकलने की बहुत दुश्वारी होती है। सैंसपुर में यही पोजिशन है। हमारा वार्ड नंबर 28 में 27 गाँव आते हैं, उसमें सारों में पोजिशन बहुत ख़राब है रास्तों को लेकर गाँव की। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? विकास का है, क्या है? विकास में वही रास्तों को लेकर है, नालियों को लेकर है, जो शौचालय वगैरह या कॉलोनी वगैरह आती है उसको लेकर है। अब अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरा मुकाबला अनिल चौधरी बीएसपी से। बीएसपी प्रत्याशी से अपना मुकाबला मान। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहेंगे, ईमानदार और कर्मठ अपना नेता चुना, जिस भी अच्छा बेहतर। क्या नाम है आपका? मेरा सलमा जी नाम जी। आपने किस वार्ड से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? वार्ड नंबर 36 से। वार्ड नंबर 36 से किसी पार्टी के समर्थन से या आज़ाद प्रत्याशी? क्या प्रयास रहेंगे आपके, क्या मुद्दे हैं जनता के लिए? क्या मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है? विकास का मुद्दा, मैं तो जनता को विकास करूँगा। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे तो मैं कोई आगे नहीं, मेरे पीछे नहीं, मैं तो जनता के लिए हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे? बस ये अपील करना चाहती हूँ कि कामयाबी मिले, मैं जनता को कामयाब करूँ। जी हाजी अब्दुल मजीद साहब, आपने कौन से वार्ड से पर्चा दाखिल? वार्ड नंबर 28 से। किसी पार्टी से हैं आप या आज़ाद प्रत्याशी के रूप में? कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं। क्या प्रयास रहेंगे आपके, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, अच्छी तालीम हो, अच्छे से अच्छे काम हो, बेटी ब्याही जाए, बेटियाँ बहुत रुकी हुई शादी दहेज के प्रॉब्लम। अच्छा, विकास और शिक्षा के मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से ये अपील करेंगे, जो ईमानदार प्रत्याशी हो उसे आप वोट दें सोच समझ कर, ऐसा मौका बार बार नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा फहीम बब्बू नंबरदार नाम है। 21 वार्ड से आज आपने नामांकन भरा? 31 से वार्ड से नामांकन भरा। क्या आप किसी पार्टी के समर्थन से या आज़ाद प्रत्याशी के रूप में? पार्टी से। मेरा अभी टिकट नहीं हुआ, मगर उम्मीद है मुझे टिकट। किस पार्टी से? बसपा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतर रहे हैं? विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही हूँ। मैंने क्षेत्र में बहुत काम करा है, पिछली बार भी जिला पंचायत का मेंबर था मैं, दोबारा फिर चुनाव लड़ रहा हूँ, विकास के ही नाम पर चुनाव लड़ूँगा। अच्छा, विकास के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट करिए। मैंने क्षेत्र में हर वर्ग के काम किया है, नाली खरंजे सब हर गाँव में लगवाए हैं, तो उसी नाम पर काम के नाम पर ही वोट मांगूँगा। जी क्या नाम है आपका? अधीश चौधरी जी। अधीश चौधरी साहब, आपने किस वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल किया है और किस पार्टी से? 31 से मैंने नामांकन दाखिल किया है, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ।
और अपने क्षेत्र के अमन व अमान कायम करने के लिए चुनाव लड़ लूँ और अपने क्षेत्र में अमन व अमान कायम करूँ और जो भेदभाव की राजनीति है इससे अलग हटके सेकुलर राजनीति करने का मेरा मन है। मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र में अमन व अमान कायम हो, भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए और गंगा जमनी तहजीब के दायरे में रहते हुए विकास के मुद्दों के जो भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने का मैं काम करूँ। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ माननीय सब एकजुट होकर और मेरा समर्थन करें। नाम है आपका? सानिया। सानिया जी, कौन से वार्ड से आपने नामांकन पत्र दाखिल किया? अच्छा, किसी पार्टी से हैं या आज़ाद हैं? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? क्या क्या विकास करना चाहेंगे आप? जी, मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। जीतने के बाद मेरी सबसे विनती है कि मुझे वोट मिले और मैं इस मुकाम पर पहुँचूँ कि गरीबों की मदद करूँ। अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, बस यही कि सबसे मुझे वोट मिले और वोट मिलने के बाद जीतने के बाद गरीबों की मदद करूँ, हर गरीब की मदद करूँ, हर चीज़ में मदद करूँ। जी, क्या नाम है आपका? तेज सिंह सैनी। जी, तेज सिंह सैनी जी, आपने किस वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल किया? वार्ड नंबर 13 से सर। अच्छा, किसी पार्टी के? हाँ, राष्ट्रीय समानता दल के समर्थन में। अच्छा, पूर्व में भी आप चुनाव लड़े हैं? जी, हमने पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े हैं 14। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े? जी, राष्ट्रीय समानता दल मतदाता सुरक्षा भत्ते का जो समानता दल का लड़ाई हथियार है, चुनावी हथियार जो है राष्ट्रीय समानता दल का, मतदाता सुरक्षा भत्ते को लेकर लड़ा है, जिससे क्या पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय समानता दल 1750 रुपये मतदाता सुरक्षा भत्ते की लड़ाई लड़ रहा है। इसी एजेंडे को लेकर हम चुनाव जिला वार्ड नंबर क्या है आपका? 13, वार्ड नंबर 13 से। वार्ड नंबर क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना? क्षेत्र की जनता आपका हमारा सम्मान कर रही है और हमें आपका जो है जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो है मेम्बर बनाकर हमें भेजने की अपील करी है। और आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? बस जनता से ये कह रहे हैं कि अभी हम अब जो है हम काफ़ी समय हो गया सेवा करते हुए, अगर हम सेवा के योग्य हैं तो हमें जो है अपना वार्ड नंबर 13 का अपना जो जनप्रतिनिधि चुनकर हमें जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर बनाकर और जिले में कार्रवाई करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हमें भेजने का कष्ट करें। आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और सदा जनता का आभारी रहूँगा अपने क्षेत्र का। जी, क्या नाम है आपका? राम सिंह चौहान। जी चौहान साहब, आपने किस वार्ड से और किस पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? वार्ड 6 से। वार्ड नंबर 6। आप किसी पार्टी से हैं या आज़ाद प्रत्याशी? आज़ाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ आज तक, जो भी बनते हैं उनको विकास कार्य नहीं कराया गया है, विकास के लिए ही मैंने मुद्दे उठाए हैं। अच्छा, विकास के मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही है कि भाई जो आदमी सही काम करे उसे चुना जाए। जी, क्या नाम है आपका? कुशल यादव। कुशल यादव जी, आपने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है, किस वार्ड से किया है और किस पार्टी से? जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड 16 से समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरा नामांकन हुआ। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? मैं विकास, भ्रष्टाचार और शिक्षा। विकास, भ्रष्टाचार और शिक्षा के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे कि एक स्वच्छ छवि के शिक्षित और बाद में भी काम करने वाले और पहले भी काम करने वाले को आप जिता कर भेजें और गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाने वाले को आप जिता कर भेजें। जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी सर। जी निखिलेश कुमार जी, बताइए आप किस वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल किया? 26। वार्ड नंबर 26 है। आप किसी पार्टी से हैं या आज़ाद प्रत्याशी के रूप में? किस पार्टी से हैं? बहुजन समाज पार्टी से हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास के गांव। अच्छा, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? ज़्यादा से क्या नाम है आपका? आसिक पाशा है। जी, किस वार्ड से आज आपके द्वारा ये नामांकन पत्र दाखिल किया गया? ये मुरादाबाद जिला पंचायत की वार्ड संख्या 22। अच्छा, किसी पार्टी के समर्थन से हैं आप या आज़ाद प्रत्याशी के रूप में? अभी मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा, आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मैदान में? नहीं, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी है।
किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? जो मुख्यतः विकास के मुद्दे हैं। हमारे क्षेत्र में विकास ना के बराबर हुआ है। बहुत से सांसद विधायक हमारे क्षेत्र में बने हैं, लेकिन विकास हमारे क्षेत्र में बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। विकास के अलावा और क्या मुद्दा है? हमारे क्षेत्र में खासतौर से शिक्षा की कमी है, काम भी किया है, पेयजल की कमी है, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, सड़कें बहुत खराब हैं। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। भ्रष्टाचार बहुत है, यहीं से बता दें। विकास, भ्रष्टाचार और शिक्षा आदि मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी क्षेत्रीय जनता से यही अपील है कि एकजुट होकर के बिना किसी डर दबाव के जो बड़ी ताकतें दबाव और डर दिखाकर जनता का वोट लूटने का प्रयास कर रही है, उनको सबको शिकस्त देनी है और एकजुट होकर के मेरे पक्ष में मतदान करना है, ताकि मैं उनके हक की आवाज़ उठा सकूं। बड़ी ताकत आप किसको मानते हैं, किससे अपना मुकाबला मानते हैं? मेरा मुकाबला इस चुनाव में किसी से नहीं। जो दूसरे सतवीर देवी जी, किस वार्ड से आपने नामांकन पत्र दाखिल किया है? 11 वार्ड से। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी? ये विकास करेंगे, काम आएंगे हर एक गाँव में। पूर्व में भी आप चुनाव लड़े? 12 वार्ड से मेंबर थी जिला पंचायत, 2 वार्ड 10 साल। विकास के मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी, आप किसी पार्टी के समर्थन से हैं या आजाद से? बहुजन समाज पार्टी से। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वोट मांगना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद फरकान अली। जी, आज आपके द्वारा ये नामांकन पत्र दाखिल किया गया है, किसका था ये? ये मोहम्मद फरकान अलवी, ये वाइफ अनोखी बेगम। अच्छा, किस वार्ड से कराया आपने? ये वार्ड नंबर 19 है। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य के लिए। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? विकास के ही काम के लिए हमने जो है मतलब इलेक्शन में लड़ने का फैसला लिया है। अच्छा, आपको किसी पार्टी का समर्थन है या आजाद प्रत्याशी के रूप में? पार्टी का समर्थन है, बीएसपी का। अच्छा, बीएसपी से समर्थित प्रत्याशी है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहते हैं ताकि खूब ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर और विजय बनाए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईसुद्दीन है। जी रईसुद्दीन साहब, आपने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है, किस वार्ड से दाखिल किया? ये मेरा वार्ड नंबर 10 है, छटलेट ब्लॉक है, और हमने आज पर्चा दाखिल किया है। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत वार्ड नंबर 10। अच्छा, किसी पार्टी से हैं आप या आजाद प्रत्याशी के रूप में? MIM पार्टी से प्रत्याशी हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? चुनाव में मुद्दे ये रहेंगे हमारे साथ कि गरीबों का काम हो, गरीबों से सर्वस्व कंधे से कंधा मिलाकर चले, और ज़्यादातर स्कूल की जो लापरवाही होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, बच्चों को फ्री शिक्षा का इंतजाम कराएंगे गरीब बच्चों को। अच्छा, शिक्षा और विकास आपका मुख्य मुद्दा रहेगा? मेरा मेन मकसद शिक्षा और विकास होगा, और गरीब गुरुबों की सेवा मैं हमेशा करता हूँ, और आगे को भी ऊपर वाले ने मुझे इज्जत दी तो मैं करता रहूँगा। क्षेत्रीय जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से मेरी अपील है कि वो तन मन धन से मुझे चुनाव लड़ाएं, और मैं 5 साल बराबर लोगों के बीच में रहा हूं और लोगों के दुख दर्द में काम आया हूं, और हमेशा आगे को भी आने वाले वक्त में पब्लिक के कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, पब्लिक मेरी मालिक होगी, मैं पब्लिक का गुलाम बन के काम करूंगा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद कुंबर, वरिष्ठ सपा नेता हाजी सलाउद्दीन मंसूरी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव असलम खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी के बिलारी ब्लॉक अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद अयाज, एडवोकेट सहित विभिन्न पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाते हुए दिखाई दिए। ये कांग्रेस के कितने लगभग प्रत्याशियों का नामांकन? आज हमारे जो है लगभग बिलारी ब्लॉक से 2 प्रत्याशियों का नामांकन है, टोटल हमारी अब तक 13 प्रत्याशी उतारे गए हैं, 15 की लिस्ट आज हमारी शाम तक आ जाएगी। और बिलारी ब्लॉक के 24 नंबर वार्ड से और 28 नंबर वार्ड से हमारे 2 प्रत्याशियों ने आज नामांकन करा रहे हैं। 24 नंबर से हमारी प्रत्याशी सानिया है और 28 नंबर से हमारे प्रत्याशी हाजी अब्दुल वाजिद साहब हैं, जो रुस्तम नगर से हसपुर के निवासी हैं। 24 नंबर वार्ड जो है वो अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित है और 28 नंबर वार्ड हमारा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। क्या कहना चाहेंगे जनता से, अपने बिलारी की जनता से क्या अपील करना? मैं अपनी बिलारी की जनता से अपील करूँगा, एक बार कांग्रेस पार्टी का
दोबारा से जिस परिवार के वो लोग थे बिलारी के, कांग्रेस के ही परिवार के लोग थे, एक बार फिर से अपने पुराने परिवार के साथ आकर कांग्रेस को मजबूत करें और यहाँ से हमारे प्रत्याशियों को जिताकर भेजें ताकि हम आने वाली विधानसभा में मजबूती के साथ कांग्रेस को लड़ा सकें।